हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रागनीश किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। तो इसके लिए हम लेंगे राजमा एक कटोरी। तो इसको ओवरनाइट सॉक कर देंगे। ये छोटे राजमा है मेरे पास, आप बड़े भी ले सकते हैं। तो इसको हमने 6 घंटे भिगोने के बाद ले लिया है और कुकर में डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे खाने वाला। उसके बाद इसको गैस पर रखेंगे, इसमें 2 सीटी आने देंगे। तो 2 सीटी आ चुकी है, इसको बंद कर देंगे गैस को और उसके बाद से हम इसको नीचे उतार लेंगे। फिर इसको चेक करते हैं। तो राजमा आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है, इसको चेक करेंगे, हो चुका है ये। तो इसको हम एक अलग बर्तन में रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 प्याज बड़े, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता। मसालों में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरक 1 टुकड़ा काट लिया है और ये गरम मसाला। खड़े मसालों में है जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, जायफर, लौंग, शाही जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, धनिया खड़ा और ये लाल मिर्च। तो तेजपत्ता और लाल मिर्च को हमने निकाल दिया है और इन मसालों को हम पहले रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई गर्म है और इसमें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसको आप ऐसे भी क्रश करके डाल सकते हैं या पीस के, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट और लाजवाब होगा। तो इसको मिक्स के जार में डालेंगे और इसको कढ़ाई पीस लेंगे। थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा, ज़्यादा बारीक नहीं रहेगा। तो इसको एक बाउल में रख लेंगे। फिर गैस पे रखेंगे हम कुकर और इसमें डालेंगे तेल। फिर इसमें मेथी डाल देंगे, मेथी में बताना भूल गई थी। तो इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और ये लाल मिर्च का टुकड़ा डाल देंगे। उसके बाद ये लहसुन डालेंगे और इन सबको चला देंगे अच्छे से। और फिर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा चला देंगे और फिर इसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। तो इसको 2 मिनट के लिए चला दिया है। फिर अब इसमें हम अदरक डाल देंगे जो काट के रखे थे और उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे और सारी चीज़ों को चला देंगे। तो अब हम मसाले डालेंगे अपने। तो ये नमक, फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला और सारी चीज़ों को हम चला देंगे, भून देंगे थोड़ा सा। तो उसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे हम। ये 5 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल के और इसको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आ चुकी है और इसको चेक करते हैं। मसाले आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गल चुका है। तो इसको चलाएंगे और फिर एक बार गैस पे रखेंगे। आप देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से भून चुका है। ऐसे बहुत इजीली भून जाता है। फिर हम इसमें ये राजमा डाल देंगे। इसमें से पानी को हटाएंगे नहीं, पानी सही थी डालेंगे। फिर इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, इसको भी चला देंगे। तो उसके बाद हम ये डालेंगे अपने सूखे मसाले जो मैंने पीसा था। तो इसको अच्छे से चला के, और इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने और डाला है। इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पर 3 सीटी आने देंगे। तो 3 सीटी आ चुकी है और अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और चेक करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये बन चुका है, बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो इसको निकाल लिया है मैंने एक भगोने जैसे बर्तन में। तो ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, जिससे देखने में ये बहुत ज़्यादा और टेस्टी दिखे। तो आप देख सकते हैं कि राजमा कितना अच्छा बना है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो चावल मैंने रेडी कर दिया है और इस पे रखा है कुछ स्प्रिंग ऑनियन और स्लाइस और लेमन। इसके बाद हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो राजमा चावल बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इसको कुकर में बनाते हैं तो आपके लिए बनाना बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ज़रूर बनाइए आप इसको। थैंक यू, बाय बाय।